फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बोला मम्मी को और मम्मी ने दूसरों के सामने बेइज्जती कर दी थी. बट यार दिस वाज द बेस्ट मूव. तब हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं थे और हम बिल्कुल नहीं लड़ते थे. पहली बार लाल लिपस्टिक लगाई थी तो मम्मी ने मुझे कहा था कि ये लाल लिपस्टिक लगाने के बाद तो खाना भी ना ऐसे करके खा रही थी. बहुत सारे कपड़े मैंने बिखेरे थे ताकि मैं अपने मेंटल स्ट्रेस से हट के अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं. हाय, मैं हूँ रश्मि और मैं हिंदी रश के साथ हूँ और मैं आज आपके साथ अपनी पुरानी कुछ यादें ताज़ा करने वाली हूँ. ओके, तो सलमान सर के साथ ये जो फ़ोटो है ये उनके बर्थडे की है 2015 में. उनका बर्थडे हमेशा पनवेल के फार्म हाउस में मनाते हैं. तो ये तब की फ़ोटो है एंड मेरे पास ये फ़ोटो मेरे अकाउंट पे, मुझे याद भी नहीं है. आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ. मैं बहुत कई बार कुछ चीज़ें आप शब्दों में नहीं रख पाते बट ही इज़ बिन ऑलवेज देयर. एंड मुझे शो के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता चला. इन सपोर्टेड मी अलॉट. ये एक मेरा डांस परफॉर्मेंस था एंड ये मेरा छोटा भाई है गौरव. उसे जब पता चला कि मैं माता लक्ष्मी बनी हूँ तो वो मेरे पास आया, मेरे हाथ पैर जोड़ने लगा, बोलता मुझे करोड़ों की ज़रूरत है, प्लीज़ मैं लोन नहीं लेना चाहता, मुझे दे दीजिए. तो मैं उससे मस्ती कर रही थी एंड मेरे असिस्टेंट ने ये फ़ोटो खींची थी क्योंकि मैं माता लक्ष्मी थी. इसके बाद ये मेरे साथ कभी ऐसे नहीं रहा. ये मयंक नाम है इसका. ये कतार में रहता है, वहाँ काम करता है एंड गौरव से बड़ा भाई है, ये मुझसे छोटा है एंड अटैच्ड विथ हिम. यहाँ रहता नहीं है बट आई थिंक इमोशनली आई एम वेरी मच अटैच्ड विथ हिम. अमित सर के साथ एक शो था स्टार प्लस पे जहाँ पर रियल हीरोज से आपकी मुलाकात होती थी. तो एक इंदौर के ट्रैफिक कॉप थे जिनका इंट्रोडक्शन मुझे करना था एंड उनके जो भाई थे वो बहुत नामचीन एक्टर कम डांसर भी है, मैं नाम भूल गई उनका, आई एम रियली सॉरी. तो उनके इंट्रोडक्शन के टाइम पे मेरी मॉम गॉट टू नो दैट कि मैं अमित जी से मिलने वाली हूँ. तो मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मैं भी चलूँगी. तो मैंने बोला हाँ चलो. अमित जी एक ऐसी हस्ती है जिनके साथ आप हमेशा चाहते हो कि आपकी एक छोटी सी याद भी हो जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ट्रॉफी से भी बहुत बड़ा अचीवमेंट. तो मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी अब हटो ना थोड़ा साइड पे. मम्मी बोलती हाँ थोड़ा हट जाना, मुझे फ़ोटो चाहिए. और मैं बहुत चिड़ी हुई थी इस टाइम पर कि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बोला मम्मी को और मम्मी ने दूसरों के सामने बेइज्जती कर दी थी. बट यार दिस वॉज द बेस्ट मोमेंट. और ये उन्होंने अपने व्हाट्सएप DP पे लगाई थी मुझे क्रॉप करके अमित जी के साथ. ये है हमारा दिल से दिल तक का टाइटल ट्रैक इंट्रोडक्शन शूट हो रहा था. मैं और सिद्धार्थ शुक्ला जब हमारे शो के इंट्रोडक्शन फर्स्ट एपिसोड के लिए शूट कर रहे थे उड़ी उड़ी सॉन्ग और तब हमने तब एक ऐसा शॉट था गाने के अंदर जहाँ मुझे सेल्फी खींचनी है. ये तब का शो था, तब का फोटो है और तब हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते नहीं थे और हम बिल्कुल नहीं लड़ते थे. ये मेरी बचपन की फ़ोटो है, मैं 5 साल की थी और मेरे हर बर्थडे पे मेरी मॉम मेरी फ़ोटो खिंचवाती थी. तो मैं मॉम से मैंने बहुत टाइम बाद पूछा था कि मम्मी आप हर बर्थडे पे क्यों फ़ोटो खिंचाते हो, नॉर्मली क्यों नहीं? बोलते इतने पैसे तो थे नहीं. तो बर्थडे पे आपके फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड एक ज़िंदगी की यादें बन के हमेशा अपने पास रख सकते हैं, इसलिए फ़ोटो खिंचाती थी. एंड ये फ़ोटो की स्टोरी भी एक छोटी सी, पहली बार लाल लिपस्टिक लगाई थी तो मम्मी ने मुझे कहा था कि ये लाल लिपस्टिक लगाने के बाद तो खाना भी ना ऐसे करके खा रही थी. ऐसे क्यों ऐसे? बोलते बिकॉज ताकि लिपस्टिक फेड ना हो जाए. तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फोटोग्राफ क्योंकि उसके ऊपर जो बड़ा स्टार लगाया है मुझे बहुत फनी लगता है एंड बॉयकट थे, लड़कों जैसे बाल करा रखे थे मेरी मॉम ने. सो दैट इज़ द रीज़न. दैट्स मी एंड आरती. लाइक आई सेड दैट मैं और आरती बहुत पुराने दोस्त हैं एंड यस शी वॉज इनसाइड द हाउस. She also had her own journey. I have no complaints and no expectations inside the house. And today, yes, I do expect from her that she will not behave with me the way she behaved with me inside the house. But we are very good friends. And I think Bigg Boss ki journey ke dauran, humare beech ki understanding bahut strong ho chuki hai.
सो या दैट्स मी एंड आरती इन 2017. दैट्स मी एंड माई डॉग ओरियो, माई पेट, मैं अपना बेटा बोलती हूँ इसको. एंड मेरे साथ इसने भी अपनी लाइफ की कुछ स्ट्रगल्स देखे तो थोड़ा सा सहम गया था. बट अब जिस तरह से उसकी लाइफ स्टाइल है तो मुझे ऐसे लगता है मेरा जो बॉय है, मेरा स्टाफ है, वो मुझे हमेशा कहते थे, बोलते दीदी मुझे ऐसे लगता है मेरी ज़िंदगी ना इससे ज़्यादा बदतर है, इसकी बहुत ज़्यादा लैविश है, हम लोग क्या ज़िंदगी अब बदल सकते हैं. मैंने बिकॉज़ अगर इसे कुछ होता है तो मेरे घर में सब बहुत फफल जाते हैं, दे इसे कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. सो फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम माई मदर, माई ब्रदर्स किड, मी, इनफैक्ट माई स्टाफ, अगर ओरियो से बहुत अटैच्ड है क्योंकि वो उतना ही प्यार देता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. ये मैं हूँ. ये फेज मेरी लाइफ का बहुत डिफिकल्ट फेज था और ये फोटो के पीछे की स्टोरी बहुत डिफिकल्ट है. कम शब्दों में यही बताऊँगी कि यस, बहुत सारे कपड़े मैंने बिखेरे थे ताकि मैं अपने मेंटल स्ट्रेस से हट के अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूँ. सो यस. एंड जिविता ओबेरॉय, यंगर सिस्टर ऑफ माइन, शी क्लिक्ड इट एंड पोस्टेड इट एंड शोड मी दैट कि देखो प्यार, देखो आपको कितना मिल रहा है, आप उसे अपनाओ और उसे समझो. दैट्स मी एंड माही विज, 2017 की फ़ोटो है. एंड माही इज़ अ फ्रेंड जिसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बट अगर मैं उसे बोलूँ चल कहाँ है मिलने आ करके, तो आज भी एक बार भी सोचती नहीं है, आ जाती है. लेकिन थोड़े मूड स्विंग्स बहुत मेजरली रहते हैं. वो अलग ही लड़की है. इसे आप वन वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन तूफानी बोल सकते इसे. दैट्स माई मॉम एंड डैड. मेरा फेवरेट फ़ोटो है बिकॉज मैंने अपने मॉम डैड को कभी साथ में नहीं देखा है. एंड मेरी लाइफ के कुछ ऐसे स्ट्रगल्स रहे तो मुझे ऐसे लगता था कि माई मदर ट्राइड गिविंग मी बेस्ट लाइफ. जितनी कोशिश की है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं दैट फादर, व्हेन यू नीड अ मैन इन योर लाइफ, क्योंकि उनके देखने का नज़रिया, उनके समझाने का तरीका और उनका हक जताना और हर एक चीज़, मैं वो समझ नहीं पाती. तो टू कनेक्ट विद अ मैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. सो मैंने वो याद में मेरी मॉम और मेरे डैड की फ़ोटो पोस्ट की थी दैट आई रियली मिस हिम. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी राश.